बीबीसी दुनिया में आज देखिए, रूस चुरा रहा है यूक्रेन का अनाज। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जुटे नेटो के सदस्य देश, फिनलैंड स्वीडन के लिए सदस्यता पर विचार विमर्श। यूक्रेन पर जारी है रूस के हमले, पूर्वी यूरोप में नेटो ने बढ़ाई सुरक्षा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्या यूक्रेन संकट ने नेटो गठबंधन में दोबारा फूंक दी है जान, बताएंगे आपको, लेकिन पहले हेडलाइंस। राजस्थान के उदयपुर में एक युवक की हत्या, कुछ इलाकों में आगजनी और विरोध प्रदर्शन। 7 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, 2 अभियुक्त हिरासत में, पूरे राजस्थान में अलर्ट। सीएम गहलोत ने की पीएम मोदी से देश को संबोधित करने की अपील। महाराष्ट्र के बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे की अपील, कहा गुवाहाटी से मुंबई जाकर बात करें। एकनाथ शिंदे ने कहा, हम शिवसेना का ही हिस्सा, और किया दावा शिवसेना को आगे लेकर जाएंगे। अमेरिका में टेक्सास के बाहरी इलाके सैन एंटोनिया में लावारिस ट्रक में मिले 46 शव। शहर के मेयर ने कहा, यह मानव तस्करी का खौफनाक मामला। घटना के सिलसिले में पुलिस ने किया 3 लोगों को गिरफ्तार। लैटिन अमेरिकी देश अल साल्वाडोर में गर्भपात की सजा है जेल। बीबीसी ने बात की एक ऐसी ही महिला से जिन्हें गर्भपात की वजह से भुगतनी पड़ी जेल की सजा। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। यूक्रेन पर रूसी हमलों के बीच नेटो सदस्यों का एक अहम सम्मेलन मैड्रिड में हो रहा है, जिसमें G7 देशों के कुछ नेता भी शामिल हो रहे हैं। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस पर यूक्रेन का अनाज चुराने के आरोप लग रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। नेटो देशों के नेता स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मुलाकात कर रहे हैं, और ये समिट इस लिहाज से अहम मानी जा रही है कि इसमें यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नेटो की सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दी जा सकती है। नेटो गठबंधन ने अपनी पूर्वी सीमाओं पर और सैनिकों को भेजने की योजना का ऐलान किया है। नेटो अपनी रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स 40,000 सैनिकों से बढ़ाकर 3,00,000 करने जा रहा है। साल 2014 से पहले यूरोप के पूर्वी हिस्से में नेटो गठबंधन के कुछ ही सैनिक मौजूद थे, लेकिन फिर रूस ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया, जिसके जवाब में नेटो ने एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में अपने सैनिक भेजे, और तभी से हाई अलर्ट पर तैयार सैनिकों की संख्या बढ़ती गई, जो फिलहाल 40,000 है। और अब नेटो के आज के बयान के मुताबिक सैनिकों की यह संख्या 7 गुना बढ़ाकर 3,00,000 की जा रही है, जो जमीन, आसमान, समंदर, कहीं भी किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और नेटो गठबंधन में विस्तार हो या नहीं, इसे लेकर भी सम्मेलन में विचार विमर्श हो रहा है। रूस ने जिस यूक्रेन पर हमला किया जिस तरीके से, उससे फिनलैंड और स्वीडन फिक्रमंद हैं। ये दोनों ही देश अपना न्यूट्रल स्टेटस छोड़कर नेटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, तुर्की उनकी राह में रोड़े अटका रहा है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों ने कुर्द अलगाववादियों को पनाह दी है, जो तुर्की की नज़र में चरमपंथी है। यही वजह है कि नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और फिनलैंड स्वीडन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की की शिकायत खत्म की जा सके। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद से अब तक नेटो गठबंधन काफी बड़ा हो चुका है, जिसमें सोवियत यूनियन के पूर्व सदस्य और सहयोगी भी शामिल हैं। राष्ट्रपति पुतिन रूस की सीमाओं की ओर नेटो के विस्तार पर तीखी प्रतिक्रिया देते रहे हैं, लेकिन नेटो विस्तार के समर्थक इसे शांति के लिए जरूरी बताते हैं। ब्रिटिश आर्मी में अफसर रहे HDB गार्डन ने नेटो फोर्सेस के साथ काम किया है। उनका मानना है कि यूक्रेन संघर्ष ने नेटो गठबंधन में दोबारा जान फूंक दी है। दूसरे विश्व युद्ध या शीत युद्ध खत्म होने के बाद नेटो का ये संभवतः सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन है। नेटो अपना महत्व खो रहा था, दुनिया में और भी सैन्य गठबंधन है, लेकिन इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले ने अचानक सब बदल दिया। मुझे नहीं लगता कि लोग यूरोप में युद्ध चाहते हैं, लेकिन अब युद्ध होने की वजह से स्वीडन और फिनलैंड भी नेटो में शामिल होना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पुतिन ने इस साल फरवरी में जब यूक्रेन में जंग छिड़ी थी, तब उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन में नजदीकी बढ़ जाएगी और फिनलैंड, स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहेंगे। पिछले 10 वर्षों में नेटो की प्रासंगिकता पर सवाल उठते रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप तो इसके काफी आलोचक रहे थे, जिससे ये और ज्यादा कमजोर हुआ और अपने लिए मकसद तलाश रहा था। In the last 10 years,
its relevance has been questioned. और नेटो के 6 सदस्य G7 समूह के भी सदस्य हैं जो जर्मनी में हुए समिट में शामिल होने के बाद मैड्रिड रवाना हुए। इससे एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वीडियो लिंक के जरिए G7 की बैठक में शामिल हुए। G7 देशों ने यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। सम्मेलन में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। यूक्रेन गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक देश है, लेकिन जंग की वजह से कई विकासशील देशों में खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। BBC की एक पड़ताल में इस बात के सबूत मिले हैं कि यूक्रेन में कब्जे वाले इलाकों से रूस हजारों टन अनाज चुरा रहा है, और ऐसा तब हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र ये चेतावनी दे रहा है कि यूक्रेन से सप्लाई बाधित होने की वजह से अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में अकाल की नौबत आ सकती है। रूस ने यूक्रेन से अनाज चुराने के आरोपों को खारिज किया है, लेकिन रूसी अधिकारी यूक्रेन के अनाज का राष्ट्रीयकरण करने वाले आदेश जारी कर रहे हैं। देखिए यूक्रेन से BBC संवाददाता निक बीक की यह रिपोर्ट। यूक्रेन में मौजूद रूसी सेना पर युद्ध अपराध, हत्या और बलात्कार के आरोप लग रहे हैं। अब उन पर बड़े पैमाने पर यूक्रेन के अनाज चोरी करने का भी आरोप लग रहा है। उन्होंने हमारे परिसर, हमारे उपकरणों को तबाह कर दिया। जिस चीज पर उनकी नजर गई, जिस चीज को उन्होंने छुआ, वो गायब हो गई। हमने ऐसे लगभग 200 किसानों से बात करने की कोशिश की जिनके खेत अब रूसी सेना के कब्जे वाले इलाके में हैं। इनमें से ज्यादातर किसान डरकर बात करने से बच रहे थे, लेकिन एक शख्स BBC को इंटरव्यू देने के लिए राजी हो गया। हमने उनकी पहचान छिपा ली है। उन्होंने हमारे ऑफिस को लूटा, दीवार से वायरिंग तक उखाड़ दी, हमारे रिश्तेदारों के फोटो तक वो अपने साथ लेते गए। ये वो तस्वीरें हैं जब रूसी सैनिक खेत में पहुंचे थे। टैंक पर आप Z लिखा देख सकते हैं। एक रूसी सैनिक सिक्योरिटी कैमरे पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। हजारों टन अनाज ये लोग चुराई गई गाड़ियों में भरकर ले जाते हैं। GPS ट्रैकर की मदद से हमने एक ट्रक के रूट को फॉलो किया। ये ट्रक क्राइमिया पहुंचा, वो इलाका जो 8 साल पहले रूस ने यूक्रेन से अलग कर दिया था। फिर ये ट्रक रूस पहुंचा। ऐसी आशंका है कि वहां इसे पैक करके रूसी अनाज बताकर निर्यात किया जा रहा है। रास्ते में ये ट्रक एक अनाज के गोदाम पर रुका। इस गोदाम की छत पर भी आप Z लिखा देख सकते हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि हमले के बाद से अब तक रूस लगभग 8 लाख टन अनाज की चोरी कर चुका है। ये हालात जोसेफ स्टालिन की वजह से यूक्रेन में लगभग 100 साल पहले आए अकाल की याद दिला रहे हैं। यूक्रेन का झंडा आपको सारी कहानी बयां कर रहा है। पीले खेतों के ऊपर नीला आसमान ये बताता है कि यहाँ के लोगों के लिए इस उपजाऊ जमीन के क्या मायने हैं। ये इस देश की आत्मा है, इसीलिए रूस के अनाज चुराने की वजह से यहाँ लोगों पर बहुत असर पड़ा है। इसके गंभीर परिणाम दुनिया के दूसरे देशों पर भी देखे जा रहे हैं। रूसी हमें एक राष्ट्र के तौर पर तबाह कर रहे हैं। लोग आजादी और काम चाहते हैं। रूसी नहीं चाहते कि ये खेत हमारे पास रहें और हम इससे कुछ कमा पाएं। जो अनाज लूटे नहीं जा रहे, उन्हें नष्ट किया जा रहा है। ये फुटेज यूक्रेन की सेना ने जारी किया। बताया जा रहा है कि रूसी सेना यहाँ एक अनाज गोदाम को तबाह कर रही है। हालांकि रूस इस तरह की किसी भी लूट या अनाज नष्ट करने के इल्जामों से इनकार करता है, बल्कि रूस का तो ये कहना है कि वो तो यूक्रेनी अनाज का राष्ट्रीयकरण कर रहा है। हमें रूस समर्थित अधिकारियों की ओर से जारी एक डॉक्यूमेंट मिला जिसमें कहा गया है कि इलाके में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कंपनी के गोदाम से गेहूँ और जौ ले लिए जाएं। मुझे लगता है कि दुनिया में काफी लोग आराम से बैठकर सैंडविच खा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं है कि इस अनाज की चोरी हो रही है और काफी लोग इसकी वजह से परेशानी झेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि दुनिया इस पर चुप क्यों है और इस अन्याय की सजा देने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पहले ही बहुत दबाव में है। अब बड़े पैमाने पर हो रही अनाज की चोरी से वहां की अर्थव्यवस्था पर और बुरे असर की आशंका है। किसानों पर किए जा रहे इस रूसी अत्याचार का परिणाम पूरा यूक्रेन और पूरी दुनिया भुगतेगी। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कौन सी है वो जगह जहां गर्भपात के लिए है जेल की सजा। और अमेरिका में एक लावारिस ट्रक में लाशें मिलने से सनसनी। BBC दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। एक तरफ जहां अमेरिका में गर्भपात के नए कानून पर बहस हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लैटिन अमेरिका के कई देशों में गर्भपात पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहां तक कि रेप और मां के जीवन पर खतरे जैसे मामलों में भी गर्भपात की इजाजत नहीं है। अल साल्वाडोर में कई ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाएं जिनका मिसकैरेज यानी गर्भपात हो जाने पर उन्हें हत्या के आरोप में 30 साल तक जेल की सजा दी गई है। इन महिलाओं को कुल मिलाकर 50 साल जेल की सजा हुई है। इनका अपराध है मिसकैरेज। एक ऐसे देश में जहां किसी भी तरह के गर्भपात के खिलाफ दुनिया में सबसे सख्त कानून है। कई सालों तक चले अभियान के बाद इन महिलाओं की तय समय से पहले रिहाई हुई है। ये अल साल्वाडोर में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूहों के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत है। रिहा होने वाली महिलाओं में एलसी भी शामिल हैं। मैं बस ये सोचती रहती हूँ कि आखिर क्यों मेरे खिलाफ गवाही देने वालों ने ऐसा क्यों किया। इसी तरह से अन्याय होता है। अभी भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ये सब भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। दूसरे मामलों के बारे में एलसी सही कह रही हैं। मई महीने में एजमी नाम की एक महिला को मिसकैरेज की वजह से 30 साल की सजा सुनाई गई। कैंपेन चला रहे लोगों का मानना है कि उनकी लड़ाई समाज में बदलाव लाने की है। लैटिन अमेरिका से अमेरिका कुछ सीख सकता है, हमारा अनुभव बेहद खराब रहा। ऐसे मामलों में महिलाओं की आजादी तक छीन ली जाती है, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिसमें आम सहमति बनी और समस्या का समाधान भी ढूंढा गया। एक ओर जहां लैटिन अमेरिका गर्भपात से जुड़े सख्त कानूनों में रियायत देने की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर अल साल्वाडोर की राजनीति में चर्च का दखल अब भी काफी ज्यादा है और वहां बेहद रूढ़िवादी समाज फिलहाल इस दिशा में बढ़ने से कतरा रहा है। अमेरिका में काम कर रहे प्रजनन अधिकार समूहों के लिए एक सीधी चेतावनी है कि आगे क्या हो सकता है। पाद्रे वितो गुआर्तो में परिजनों की ओर से छोड़ दिए गए बच्चों को रखा जाता है। 5 साल के एना लुइस की 24 घंटे देखभाल की जाती है। एना माइक्रोसेफेली बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें बच्चों के सिर अपेक्षाकृत छोटे रह जाते हैं। इसकी एक वजह जीका वायरस हो सकता है। इस जगह पर कर्मचारी बच्चों की अच्छी देखभाल की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सच ये है कि गर्भपात का कोई विकल्प नहीं होने की वजह से परिजन अक्सर ऐसे बच्चों को छोड़ देते हैं। गर्भपात विरोधी नेता सत्ता में हैं और इसलिए किसी भी सुधार की गुंजाइश कम है। मुझे लगता है कि साल्वाडोर के लोग अभी भी काफी रूढ़िवादी हैं। अगर एक तरह से कहें तो भगवान से काफी डरते हैं। इसलिए दुनिया के अन्य हिस्सों में शुरू हुए ऐसे अभियान यहाँ सफल नहीं होते। निश्चित रूप से अल साल्वाडोर में ऐसी और महिलाएं मिसकैरेज के कारण जेलों में भेज दी जाएंगी, पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद अमेरिका के लोग सजा के इस मॉडल को चिंता की नजर से देख रहे हैं। विल ग्रांट, बीबीसी न्यूज। और इधर अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक लावारिस ट्रक से कम 46 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यह मेक्सिको से अमेरिका सीमा पार होने वाली मानव तस्करी के सबसे जानलेवा मामलों में से एक है। ये लोग एक ऐसे ट्रक में बनते जाना पीने का पानी था ना टेक्सास की भरी गर्मी में कूलिंग का कोई और तरीका। ऐसा माना जा रहा है कि पीड़ित लोग प्रवासी हैं जो मेक्सिको से आए हैं। अब ये साफ नहीं है कि मरने वाले लोग किस देश के थे, लेकिन मेक्सिको के विदेश मंत्री का कहना है कि अस्पताल में भर्ती लोगों में से 2 ग्वाटेमाला के हैं। और अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में 4 बच्चों समेत 16 लोग जिंदा भी मिले हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें हीट स्ट्रोक हो गया था। उनमें से कुछ तो मदद के लिए भी चिल्ला रहे थे। मेरे पीछे की बिल्डिंग्स में से किसी एक में काम करने वाले एक वर्कर ने सुना कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो देखने के लिए बाहर आया तो वहाँ एक ट्रक खड़ा था जिसके दरवाजे आधे खुले हुए थे। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कई लाशें देखी। हमने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हमें अभी ये नहीं पता है कि ये लोग इस मामले में जुड़े हैं या नहीं। और इस तरह की ट्रकों में मौत के मामले पहले भी सामने आए हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जंगल छोड़कर कहां तटीय इलाकों में घूम रहे हैं शेर। इस बारे में बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। गुजरात में एशियाई शेरों की तादाद कई दशकों से लगातार बढ़ रही है और अब इनकी संख्या 650 तक पहुंच गई है। बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागडेकर छारा गुजरात के उस तटीय इलाके में पहुंचे जिसे शेरों ने अपना नया घर बना लिया है। जंगल के राजा का साम्राज्य अब गुजरात के तटों पर भी फैल रहा है। पर्यावरण की फिक्र करने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है। ये शेरनी उन 100 से ज्यादा शेरों में से एक है जो अंतिम गणना के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में पलायन कर चुके हैं। गुजरात में लगभग 670 से ज्यादा एशियाई शेर बसते हैं, लेकिन अब तक इनमें से ज्यादातर का ठिकाना गिर जंगल रहा करता था। ये नदी गिर जंगल से शुरू होकर सोमनाथ के जो समुद्र तक जाती है, गिर जंगल में जो शेरों की बस्ती है जब वो बढ़ती गई तो इसी नदी के तट पर चलते चलते शेर जो है वो गिर जंगल से निकलकर दरिया के किनारे तक पहुंचे हैं। गिर के जंगलों के अलावा अब एशियाई शेर गुजरात के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी तटीय इलाकों में भी मिलने लगे हैं। इनमें मांगरोल, वेरावल, कोडिनार, ऊना, जाफराबाद, राजूला, महुआ एवं भावनगर के तटीय इलाके शामिल हैं। शेरों के गिर से बाहर आने की एक बड़ी वजह यह है कि उनके लिए उपलब्ध इलाका लगातार कम हो रहा है। शेर के बच्चों को भी दूसरे शेरों से खतरा रहता है। नए इलाकों में उन्हें पालतू जानवरों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। नत्था परमार इस इलाके में आम की खेती करते हैं। पिछले कुछ सालों में शेर उनकी 8 गायों को शिकार बना चुके हैं। शेरों की मौजूदगी की वजह से जंगली सुअर, नील गाय और बंदर जैसे जंगली जानवर इस इलाके से गायब हो गए हैं। शेर हमारे पालतू जानवरों को मार जरूर देते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होता। साल 1968 तक गुजरात में 200 से भी कम शेर बचे थे, लेकिन उसके बाद सरकार की लगातार कोशिशें और स्थानीय लोगों की मदद से उनकी तादाद लगातार बढ़ी है। और ये रियो डी जेनेरो का कार्निवल नहीं है। ये जश्न है परंपरा, पहचान और रिवाज का। बोइबुम्बा फेस्टिवल के जरिए ब्राजील में अमेज़न के लोग महामारी के बाद पहली बार इस तरह खुशियां मना रहे हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।